ये पहली स्टाइलिंग वीडियो है 2021 की. आई होप दिस इज हेल्पफुल टू यू ऑल. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो आप देख सकते हो एक बड़ी सी स्माइल मेरे फेस पर, क्योंकि आई एम बैक ऑन ट्रैक. एंड आई नो मेरी जो वीडियोस का स्केड्यूल था बहुत ही ऊपर नीचे था, बट फाइनली आई एम ऑन ट्रैक. और मैं बहुत सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए शूट करने वाली हूँ. जो जो भी वीडियो सजेशन होना गाइज, प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताओ. तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं. तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ यू कैन स्टाइल योर सिंपल साड़ी फॉर विंटर्स. ओके, विंटर्स वेडिंग के लिए. तो कौन कहता है कि आपको भारी भारी साड़ियाँ ही पहननी है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. आप सिंपल सोबर साड़ी को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू दिस. यस, हाउ सिंपल, हाउ स्टैंडिंग एंड हाउ एलिगेंट दिस लुक हैज टर्न आउट. तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आप कैसे एक सिंपल सोबर साड़ी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इनटू ब्यूटीफुल लुक. ओके, सबसे पहले इस साड़ी के बारे में बात करते हैं. तो ये जो साड़ी मैंने पहनी है, ये है मेरी मम्मा की साड़ी. मैं अभी इंडिया गई थी अपने भाई की शादी में, तो मैंने अपनी मम्मा के वार्डरोब से एक ही साड़ी उठाई, क्योंकि वेट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी. मम्मा ने तो मुझे 3-4 साड़ियाँ दी थी, बट मैंने सिर्फ एक ही उठाई, जिसमें से ये सुंदर सी साड़ी है रॉयल ब्लू कलर. और ये सिल्क, प्योर सिल्क की साड़ी है. अगर आप इस साड़ी को देखें तो आपको लगेगा कि ये साड़ी 18 से 20 साल पुरानी साड़ी है. नहीं, क्योंकि मेरी मम्मा अपने कपड़ों का, अपने ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं, और उनका कोई भी कपड़ा आप नहीं बोल सकते हो कि वो पुराना कपड़ा है. ठीक है, तो ये साड़ी इतनी सुंदर है, इतनी एलिगेंट है, इतनी लाइट वेट है ये साड़ी, और आपको इसको ज़्यादा प्रेस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है. तो ये प्योर सिल्क, आप बोल सकते हो फ्लोई सिल्क जो होता है, उस टाइप में ये साड़ी है. इसके अंदर जो मिक्स है, ब्लेंड ऑफ ग्रीन, टील ग्रीन, देन ब्लू, और हिंट ऑफ लाइट पर्पल भी आता है. तो इसीलिए मैंने अपनी ज्वेलरी को भी इस तरीके से ही रखा है. तो मैं आपको दिखाऊंगी. वैसे मैंने अपने चैनल पे लास्ट ईयर भी एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए थे विंटर आउटफिट्स. उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि आप एक टर्टल नेक स्वेटर को स्टाइल कर सकते हो विद योर साड़ीज. तो आई विल लिंक इट हेयर समवेयर, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा उस वीडियो को. और चलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही बताऊंगी कि आप एक टर्टल नेक को कैसे स्टाइल कर सकते हो. अगर मैं चाहती तो मैं इसके साथ इस कलर का भी नेक, मतलब टर्टल नेक डाल सकती थी, या पिंक कलर का भी डाल सकती थी, जो कि बुरा नहीं लगता. बट मुझे कुछ लाइट रखना था, क्योंकि मेरी साड़ी को मैं चाहती थी कि ज़्यादा वो अच्छी लगे, क्योंकि ये कलर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वाइब्रेंट कलर है. इसलिए मैं इस साड़ी को स्टैंड आउट करना चाहती थी. इसलिए मैंने जो ये आप स्वेटर देखेंगे वो मैंने लाइट कलर में डाला है. जी हाँ, तो चलिए अब मैं आपके साथ पूरी लुक शेयर करती हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे मैंने इस लुक को अचीव किया है. और आप भी डेफिनेटली अचीव कर सकते हो सिंपल साड़ीज के साथ. आप यू नो यू कैन मिक्स एंड मैच. अगर ये वीडियो आपको हेल्प करे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट करके, अपना फीडबैक देके. उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है गाइज. तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं. आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल. मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन. वो जो घंटी वाला आइकन है ना, उस पर ज़रूर क्लिक करना. उससे आप हमेशा नोटिफाइड रहोगे जब भी मैं अपने चैनल पे नई वीडियो पोस्ट करूंगी. सो नाउ विदाउट ब्लैबरिंग मच, लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो. एंड ये जो ज्वेलरी आप देख रहे हैं, ये ज्वेलरी है कोहिनोर ज्वेलरी. उनका इंस्टाग्राम हैंडल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी. मुझे इस ज्वेलरी, इस चोकर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी. इट्स ब्यूटीफुल एंड इट सेट्स ब्यूटीफुली ऑन माई नेक. और जब भी आप इस तरीके के नेक्स पहने गाइस, हमेशा इस तरीके के चोकर्स ही पहने. उससे आपका जो गला है वो एक तो एलोंगेटेड इफेक्ट आता है. अगर आपका गला छोटा है तो मैं आपको बोलूंगी कि इतना ज़्यादा बड़ा चोकर ना पहने. इससे थोड़ा सा कम वाला चोकर आप पहन सकते हैं, चाहे तो उसके साथ मांग टीका भी पहन सकते हो, बट मैंने एज इट ही रहने दिया है इसको. कोहिनूर ज्वेलरी से मैंने दो सेट्स मंगवाए थे, एक ये वाला है और एक मैं आपको दूसरी वीडियो किसी और स्टाइलिंग वीडियोज में शेयर करूंगी. उनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है. और ये आई थिंक मुझे अराउंड 5000 मिला था विद टीका. अगर आप इसको टीके के बिना लेंगे तो वो आपको और भी कम रेट में मिल जाएगा. सो इस लुक के लिए गाइस, मैंने एक स्लीक सा बन किया है, एक पार्टीशन किया है. बन कैसे किया जाता है, डोनट बन, मैंने उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. फिर टर्टल नेक की जो नेक लाइन होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है, तो मुझे वो हाइड करना था. तो मैंने ये पहना है चोकर, जो कि है कोहिनूर ज्वेलर्स का. एंड लेट मी टेल यू गाइस, इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो फ्रॉम कोहिनूर ज्वेलरी. मैंने अपने पैसों से सेट बाय किया है. ओके, तो मुझे कोई बोलने के पैसे नहीं लग रहे हैं.
फिर मुझे लगा कि मुझे फ्लावर्स भी ऐड करने चाहिए, तो मैंने फेक फ्लावर्स ऐड किए हैं और वाइट कलर के इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि ब्लू एंड वाइट का बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होता है इसीलिए। तो आप भी ऐसे फेक फ्लावर्स ऐड कर सकते हो, मेक श्योर करें वो फेक फ्लावर्स थोड़े से रियलिस्टिक लगने चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं लगें, ओके। सो आप देख सकते हैं ये फ्लावर्स मैंने ऑस्ट्रेलिया से लिए थे, बट ये बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सुंदर लगते हैं, ऐसे लगता है कि बिल्कुल रियल के फ्लावर्स हैं। क्योंकि विंटर टाइम वेडिंग है तो मैंने इसके साथ प्रेफर किए बंद शूज़, बंद हील्स, इससे आप अंदर सॉक्स भी पहन सकते हो। और कोशिश करें जब भी आप साड़ी पहने या लहंगा पहने, हमेशा एक अच्छा सा वार्मर ज़रूर पहने अंदर से, उससे आप प्रोटेक्ट रहोगे विंटर मतलब सर्दी से। फिर मैं साड़ी को ड्रेप नॉर्मली जैसे हम करते हैं प्लीट्स बनाकर, वैसे ड्रेप कर रही हूँ और खुला पल्ला रखा है। खुले पल्ले बहुत सुंदर लगते हैं, अगर आपका पेट बड़ा है तो प्लीज़ प्रेफर करें कि आप खुला पल्ला ही रखें। और एक्सेसरीज़ के लिए मैंने कुछ बैंगल्स को, कड़ेस को स्टैक किया हुआ है और ये बहुत अच्छा लगता है। एक ही बाजू में कड़े पहने, दोनों बाजू में कड़े ना पहने, एक ही बाजू में सुंदर लगते हैं। और स्टेटमेंट रिंग पहनना ना भूलें, ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। अब मैं इसके साथ लगा रही हूँ पिंक कलर की लिपस्टिक। आप चाहे तो आप डार्क पिंक शेड भी यूज़ कर सकते हो, पर मैंने बिल्कुल न्यूडिश काइंड ऑफ पिंक यूज़ किया है क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगते हैं ऐसे कलर्स। और ये बोजुआस की लिपस्टिक है। और एक छोटी सी मैंने स्टोन बिंदी लगाई है, आप चाहे तो आप इसके साथ ब्लू कलर की बिंदी भी लगा सकते हैं, बट मुझे लगा एक स्टोन बिंदी काफ़ी है इस लुक को कंप्लीट करने के लिए। फिर एक टेल कॉम की हेल्प से मैंने जितने भी फ्लाइज थे मेरे, मतलब बाल ऊपर उठ रहे थे, उनको मैंने सेटल डाउन कर दिया, एंड दैट्स अ फिनिश्ड लुक। आप चाहें तो आप सिंदूर भी लगा सकते हैं अगर आप मैरिड हैं। आप कभी भी अगर कंफ्यूज हो आपको कैसा हेयर स्टाइल करें, तो आप प्लीज़ स्लीक बन ही कीजिए और खूब सारी रोजेस लगा लीजिए और बस ये होता है लुक यहाँ पे कंप्लीट। देखिए साड़ी कितनी सिंपल है, कोई भी काम नहीं है इस साड़ी के ऊपर, बट स्टिल ये बिल्कुल वेडिंग एप्रोप्रिएट लग रही है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके साथ सुंदर सी ज्वेलरी पहनी है, अपनी एक्सेसरीज़ को ध्यान दिया है और अपने बन पे खूब सारे मैंने फ्लावर्स लगाए हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू एक्सेसराइज, इट रियली रियली मेक्स अ ह्यूज ह्यूज डिफरेंस गाइस। तो कैसा लगा मेरा वीडियो गाइज? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज मुझे जरूर बताना नीचे कमेंट करके। और फ्यूचर में आप कैसी स्टाइलिंग वीडियोस देखना चाहते हो, डू लेट मी नो दैट ऑल्सो इन द कमेंट बार बिलो। अभी कमेंट करो मेरे को। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ गाइज, एंड स्टे स्टाइलिश, स्टे कॉन्फिडेंट, एंड आई लव यू ऑल सो मच।